हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन केनिस एजुकेयर टुडे वी आर लर्निंग अबाउट द मेंसुरेशन दिस चैप्टर इज़ फ्रॉम योर एट मैथमेटिक्स एन तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी लर्न अबाउट द हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रैपेजियम हाउ टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन्स ओके वहाँ पर हमने ट्रैपेजियम में मतलब उसे डिफाइन करके ट्राइंगल में डिवाइड करके देन उसके बाद कोई रेक्टेंगल शेप में डिवाइड करके हमने कैसे सम पॉलीगॉन्स के एरिया फाइंड आउट किए थे वो सभी बातें हमने लर्न की थी तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे सॉलिड शेप्स मतलब वॉल्यूम हमें लर्न करना है वॉल्यूम क्या होता है देखिए इफ़ यू आर अर्लियर क्लासेज यू हैव स्टडीड द टू डायमेंशनल फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाई एज द फेस ऑफ थ्री डायमेंशनल शेप्स ऑब्जर्व द सॉलिड्स विच हैव डिस्कस सो फार देखिए स्टूडेंट्स बेसिकली टू एंड थ्री आपने देखा था टू का मतलब क्या होता है जिस डायग्राम के टू डायमेंशन होते हैं एंड थ्री हम किसे कहते हैं जिसके थ्री डायमेंशनल होते हैं लेंथ ब्रिथ एंड हाइट और टू मतलब ओनली लेंथ एंड ब्रिथ होता है तो आपको यहाँ पर क्यूबॉइड दिख रहा है एक सिलेंडर दिख रहा है कोन दिख रहा है क्यूब दिख रहा है पिरामिड दिख रहा है इस सभी से आप फैमिलियर हो करेक्ट सो ऑब्जर्व दैट सम शेप्स हैव टू और मोर देन टू आइडेंटिकल फेसेस नेम देम देखिए यहाँ पर टू आइडेंटिकल फेसेस किसके हैं तो यहाँ पर एक ट्राइंगल है इसके बीच में नीचे यहाँ पर एक स्क्वायर होगा यहाँ पर एक हमें अगर इससे इस डायरेक्शन से देखते हैं तो मुझे एक रेक्टेंगल फेस दिख रहा है यहाँ पर सर्कल फेस दिख रहा है अगर मैं यहाँ पर इसे देखता हूँ देखिए ये अनदर रेक्टेंगल दिख रहा है ये अनदर रेक्टेंगल दिख रहा है अगर मैं यहाँ पर इस साइड व्यू से देखता हूँ मुझे ट्रैंगल दिखेगा अगर मैं नीचे से देखता हूँ तो मुझे सर्कल दिखेगा तो यहाँ पर देखिए डिफरेंट डिफरेंट फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं सो so, एक एक्टिविटी है आपके लिए सोप टॉयज पेस नेक्स एक्सेट्रा ऑफन कम इन द पैकिंग ऑफ अ क्यूबॉइडिकल क्यूबिकल और सिलेंड्रिकल फेसेस और बॉक्सेज कलेक्ट सर्च बॉक्स है आपको उस, उस तरीके से जो बॉक्सेस है उसे कलेक्ट करना है तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्यूबॉडिकल बॉक्स है क्यूबिकल बॉक्स है एंड एक सिलेंड्रिकल बॉक्स है ऑल सिक्स फेसेस आर रेक्टेंगुलर एंड ऑपोजिट फेसेस आर आइडेंटिकल सो देर आर थ्री पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस मतलब ये फेस और ये फेस यहाँ पर सेम का होगा ये फेस और ये फेस इसका एरिया सेम होगा तो क्यूबिकल में क्या होता है ऑल फिक्स फेसेस आर स्क्वास एंड आइडेंटिकल सभी आइडेंटिकल है मतलब सभी का एरिया जो है सेम है एंड सिलेंड्रिकल जो बॉक्स है वहाँ पर ये और ये जो फेस है वो सर्कुलर है और दोनों भी सेम है एंड वन कर सरफेस यहाँ पर क्या है एक वन कर सरफेस है एंड टू सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल एंड स्टूडेंट सर्कुलर बेस एंड द टॉप आर आइडेंटिकल है ये कर सरफेस हमें दिखाई दे रहा है नाउ टेक वन टाइप ऑफ बॉक्स एट अ टाइम Cut out all the faces it has. Observe the shape of each face and find the number of faces of the box that are identical by placing them on each other. So, write down your observation. So, did you notice that the following? Uh, the cylinder has congruent uh, circular faces that are parallel to each other. Observe that the line segment joining the center of the circular faces are perpendicular to the base. सिलेंडर्स 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 आर आर नोन एज राइट सर्कुलर वी ओनली गोइंग टू स्टडी दिस टाइप ऑफ दो देर आर अदर टाइप्स ऑफ सिलेंडर ऑल्सो जैसे कि आपको इस तरीके से दिख रहा है ओके दिस इज नॉट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब इसका जो यहाँ पर ऊपर वाला सर्कल है और नीचे वाला सर्कल इनका जो सेंटर पॉइंट एक यहाँ पर जो हॉरिजोंटल सर्फेस है इससे क्या है परपेंडिकुलर है ओके okay? तो स्टूडेंट्स सर्फेस एरिया ऑफ अ क्यूब किसने एरिया ज्यादा पेंट किया है हरी सजेस्टेड दैट फाइंडिंग द सर्फेस एरिया ऑफ इच बॉक्स वुल हेल्प देम फाइंड इट आउट मतलब क्या है जैसे हमने पेरीमीटर की कंसेप्ट लर्न की थी ट्रेक्टेंगल था हम पेरीमीटर क्या करते थे कि इस साइड के, इस साइड के, इस साइड के और इस साइड की सभी की हम डायमेंशन के एडिशन करते थे तब हमें यहाँ पर पेरीमीटर मिलती थी उसी तरीके से जो भी जितने भी फेसेस यहाँ पर है उन सभी का जो एरिया है उनके एडिशन उनका एडिशन को ही हम कहते हैं सरफेस एरिया ओके okay, कितना आसान है ना सरफेस एरिया मतलब क्या है जो भी यहाँ पर शेप है जो भी यहाँ पर थ्री ऑब्जेक्ट है उसके जो आइडेंटिकल यहां पर फेसेस है उन सभी का एरिया का अगर आप एडिशन करते हो तो आपको एक फाइनल अमाउंट मिल जाएगी वही होती है सरफेस एरिया ऑफ दैट शेप ओके सो टू फाइंड द टोटल सर्फेस एरिया सो स्टूडेंट्स द सर्फेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स फेसेस एंड टू क्लेरिफाई फर्दर वी टेक ईच शेप वन बाय वन ओके फर्स्ट uh, यहाँ पर हम लेते हैं क्यूबॉइड सपोज यू कट ओपन अ क्यूबॉइडिकल बॉक्स एंड लेड फ्लैट वी कैन सी अ नेट शोन बिलो तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर वन देन यहाँ पर टू दे थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पर दिखाई दे रहा है सपोज यू कट यहाँ पर क्यूबॉडिकल बॉक्स आपने कट किया तो आपको एक नेट ने डायग्राम ऐसे दिख जाएगी तो राइट द डायमेंशन ऑफ ईच साइड यू नो दैट अब ज थ्री पेयर ऑफ आइडेंटिकल फेसेस वॉट एक्सप्रेशन कैन यू यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ इच फेस सो स्टूडेंट्स फाइंड द टोटल एरिया ऑफ ऑल द फेसिस ऑफ द बॉक्स वी सी दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉडीज एरिया ऑफ दिस फर्स्ट शेप एरिया ऑफ द सेकेंड शेप एरिया ऑफ द थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स करेक्ट तो यहां पर फर्स्ट का क्या हो जाएगा एल मल्टी एच मल्टीप्लाइ एल वाई बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगुलर शेप तो रेक्टेंगल का एरिया होता है हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रिड अथ हाइट मल्टीप्लाई बाय ब्रिड सो एच मल्टीप्लाई बाय एल देन बी मल्टीप्लाई बाय एल देन बी मल्टीप्लाई बाय एच एल मल्टीप्लाई बाय एच बी मल्टीप्लाई बाय एच एंड एल मल्टीप्लाई बाय बी अभी देखिए स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कंसेप्ट अपने लर्न किया था सो वी कैन जस्ट टेक द कॉमन थिंग्स आउट ऑफ द ब्रैकेट सो द टोटल सर्फेस एरिया बन जाता है टू इन ब्रैकेट एच मल्टीप्लाई बाय एल बी मल्टीप्लाई बाई एच एंड बी मल्टीप्लाई बाय एल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 in bracket lb plus bh plus hl so where H, L, B are the height length and width of the cuboid respectively okay yaha par ye kya hai? H H height l is the length and b is the width of the cuboid respectively okay suppose the height of height length and width of the box shown are given below are 20 centimeter or 15 centimeter and 10 cm respectively देन द टोटल सर्फेस एरिया क्या हो जाएगा जस्ट वी नीट टू बी प्लेस दल द वैल्यूज इन फॉर्मूला सो टू मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाईस ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टेन टेन मल्टीप्लाई बाय फिफ्टीन सो ये हो जाता है थ्री हंड्रेड ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड टेन मल्टीप्लाई बाय वन फिफ्टी एंड वी गेट द फाइनल आंसर वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड मीटर स्क्वायर सो स्टूडेंट्स देखिए Uh, the side walls the faces excluding the top and bottom make the lateral surface area of the cuboid for example the total area of all the four walls of the cuboid room in which you are sitting it's a lateral surface area of its room okay so students uh, hence the lateral surface area of the cuboid is given by 2 multiplied by h multiplied by l plus b multiplied by h or 2h in bracket l plus b सो स्टूडेंट्स देखिए क्यूब अभी हम क्यूब देख रहे हैं सो ड्रॉ द पैटर्न शोन ऑन द स्क्वायर पेपर एंड कट इट आउट यू नो दैट दिस पैटर्न इज नेट ऑफ अ क्यूब एंड फोल्ड इट अलोंग एंड टेप द एजेस टू फॉर्म अ क्यूब ओके यहाँ पर जैसे हमने क्यूब बनाया देखिए स्टूडेंट्स आपने कई बार ऐसे क्यूब्स या तो कई गिफ्ट बॉक्स आपको बनाना हो तो आपने बहुत बार बनाया होगा विद द हेल्प ऑफ पेपर से करेक्ट ना तो गिफ्ट बॉक्स कौन से शेप में होता है क्यूबॉडिकल क्यूब शेप में भी आपने बनाया होगा आपको पता है कैसे बनाना है ओके okay? तो जस्ट ये एक्टिविटी आपके बुक में दी है तो आप जस्ट एक क्यूब बनाइए ठीक है देन आफ्टर दैट वॉट इज द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द क्यूब क्या होगी सेम ही होगी ना बिकॉज इट्स अ स्क्वेर शेप साइड यहाँ पर जो यहाँ पर साइड है वो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर होगी मतलब तीनों भी यहाँ पर जो हाइट लेंथ एंड विड्थ तीनों यहां पर सेम हो गए तो उसे हम एल कहते हैं लेंथ कहते हैं ओके बेसिकली स्क्र की लेंथ सो दिस मेक लेंथ हाइट एंड विथ ऑफ द क्यूब इक्वल तो अभी स्टूडेंट आपको क्या करना है राइट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फेस आर दे इक्वल क्या सभी का एरिया सेम होगा येस सभी का एरिया सेम होगा बिकॉज ऑल आर द सेम स्क्र अभी राइट द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ दिस क्यूब आपको क्या करना है सभी जो स्क्वेयर के एरिया आपने फाइंड आउट किया है उन सभी को आपको एड करना है इफ Each side of the cube is l. What will be the area of each face? Can you say that the total surface area of a cube of side l is सिक्स l square? क्या आप बता सकते हो अभी ज़रा सोचिए आपका जो फॉर्मूला आपने सभी जर, जो एरिया निकाला तो आपको क्या आ रहा है, है देखिए ज़रा क्या वो सिक्स एल स्क्वायेयर आ रहा है क्या ओके देन आफ्टर दैट हम देख रहे हैं सिलेंडर्स के बारे में मोस्ट ऑफ द सिलेंडर्स वी ऑब्जर्व आर राइट सर्क्यूलर सिलेंडर ओके देखिए मैं आपको पिछले वाला जो है उसका आंसर दे ही देता हूँ ठीक है कोई बात नहीं देखिए यहाँ पर जो क्यूब था यहाँ पर इसका जो एक फेस है उसका एरिया क्या बनेगा एल स्क्वायेयर बनेगा अभी अगर आप इसके सभी फेस घर काउंट करते हो देर आर हाउ मेनी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स देर आर सिक्स फेसेस सो so, ये आपका जो फॉर्मूला बनता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब ये बनेगा सिक्स मल्टीप्लाई विथ एरिया ऑफ द वन स्क्वायर जो एल स्क्वायर बनता है सो इट विल गेट सिक्स एल स्क्वायेर ओके मैंने आपको आंसर भी दे दिया बट आपको फिर भी वेरीफाई करना कि ये सिक्स एल स्क्वायेर आता है कि नहीं ओके okay? चलो अभी सिलेंडर की तरफ चलते हैं फॉर एग्जाम्पल अ टीन राउंड पिलर ट्यूबलाइट वाटर पाइप्स एक्सेट्रा ओके ये सभी क्या है सिलेंडिकल शेप में होते हैं अभी ये सिलेंड्रिकल शेप देखिए टेक अ सिलेंड्रिकल कैन और अ बॉक्स एंड ट्रेस द बॉक्स ऑफ द कैन ऑन ग्राफ पेपर एंड कट इट ओके आपको क्या उसे कट करना है टेक अनदर ग्राफ पेपर इन सच अ वे दैट इट्स वीर्थ इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कैन एंड रैप द स्ट्रिप अराउंड द कैन सच दैट इट जस्ट फिट अराउंड द कैन ओके रिमूव द एक्सेस पेपर अभी जो एक्सेस पेपर है उसे रिमूव कर दीजिए तो आपको ये जो फेस शेप है आपको ऐसे दिखाई देगा ओके okay, मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप एंड टू सर्कुलर शेप आपको यहाँ पर दिखाई देगा अगर आप इसे अगर बनाते हो तो आपको एक अगेन एक बॉक्स मिल जाएगा जो इसका रिप्लीकेट होगा तो अभी मुझे बताओ क्या आप इसका सरफेस एरिया अभी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यस yes, अभी ये जो लेंथ है ये क्या होगी देखिए ये जो लेंथ यहाँ पर रैप हुई है सर्कल के पेरी फेरी पर मतलब ये पेरीमीटर है सर्कल का तो ये जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ क्या बनेगी यहाँ पर टू पाई आर विच इज द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल ओके okay, एंड ये बनता है हाइट तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया मिल गया टू पाई आर मल्टीप्लाई बाई एज अभी उसमें मुझे ऐड क्या करना है ये टू ये जो पाई आर स्क्वायर है ये मुझे ऐड करना है ये जो सर्कल है इनका एरिया एक का क्या हो जाएगा पाएर स्क्वायर या तो पाई बाय फोर डी स्क्वायर मतलब इसे फिर से टू से मल्टीप्लाई करिए देन यहाँ पर ऐड करिए विद टू पाई आर तो आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा मतलब टू पाई आर प्लस πr² मल्टीप्लाई विद 2. अभी 2 है ना, पाई है ना। है यहाँ पर, π है ना, आइए उसे कॉमन निकालते हैं अभी, एंड यहाँ पर r है, तो उसे भी आप यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हो, ओके? तो 2πr, तो 2πr मैंने अगर कॉमन निकाला, तो 2πr 1 प्लस यहाँ पर r बन जाएगा, ओके? आई बात समझ में? आई थिंक आपको एक कंसेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है देखिए इसका फॉर्मूला कैसे बनता है सो ऑफकोर्स इट्स इट इज अ रेक्टेंगुलर इन शेप वेन यू टेप द पार्ट ऑफ द सिलेंडर टुगेदर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज इक्वल टू द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्कल एंड रिकॉर्ड द रेडियस ऑफ सर्कुलर बेस लेंथ एंड विर्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इट्स टू पायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिप चेक इफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप इज टू पायर इज सो काउंट हाउ मेनी

एच प्लस आर यहाँ पर आ जाता है करेक्ट तो यही आपका फॉर्मूला बनता है ओके okay? तो स्टूडेंट्स वी कैन डिड्यूस द रिलेशन टू पाई आर आर प्लस एच एज द सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इन अनादर वे इमेजिन कटिंग अ सिलेंडर एज शोन ऐसे हमने कट किया तो आपको ऐसे ही बनने मिलेगा सो देयरफॉर द लैटरल और कर सर्फेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज टू पाई आर एच

फाइंड द एरिया ऑफ द पेपर नीडेड तो सोलूशन देखिए द लेंथ ऑफ द एक्वेरियम एल इज इक्वल टू एटी सेंटीमीटर विथ ऑफ द एक्वेरियम इज़ इक्वल टू थर्टी सेंटीमीटर सो हाइट ऑफ द एक्वेरियम एच इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर एरिया ऑफ द बेस एल मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू टू थाउजेंड फोर हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेर एरिया ऑफ द साइड फेस इज इक्वल टू टूवेल्व हंड्रेड सेंटीमीटर स्क्वेर एरिया ऑफ द बैक फेस इज इक्वल टू थर्टी टू हंड्रेड सेंटीमटर स्क्वेर सो रिक्वायर एरिया क्या बनता है एरिया ऑफ द बेस प्लस एरिया ऑफ द बैक फेस प्लस इन ब्रैकेट टू मल्टीप्लाई बाय area of a side face so 2400 plus 3200 plus in bracket 2 multiplied by 1200 is equal to we get 8000 cm square hence the area of the color paper required is 8000 cm square example number 5 the internal measures of a cuboidal room are 12 by 8 by 4 meter find the total cost of the whitewashing all four walls of a room इफ द कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग इज फाइव पर मीटर स्क्वायर वॉट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वाशिंग इफ द सीलिंग ऑफ द रूम इज ऑल्सो वाइट वॉश तो देखिये स्टूडेंट इसका सोल्यूशन लेट देंथ ऑफ द रूम इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू ट्वेल्व मीटर विथ्थ ऑफ द रूम यहाँ पर बी इज इक्वल टू एट मीटर हाइट यहाँ पर फोर मीटर है सो एरिया ऑफ द फोर वॉल्स ऑफ द रूम पेरीमीटर ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द रूम तो स्टूडेंट जस्ट फॉर्मूला में क्या करना है वैल्यू पुट करना है सो टू मल्टीप्लाई बाई ट मल्टीप्लाई बाय फोर एंड वी गेट वन सिक्सटी मीटर स्क्वायर तो कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर है फाइव रुपीज़ सो हिंस द टोटल कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग फोर वॉल्स ऑफ द रूम इज इक्वल टू वन सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय फाइव इज इक्वल टू आता है एट हंड्रेड सो एरिया ऑफ द सीलिंग इज इक्वल टू एट ट्वेल्व मल्टीप्लाई एट जो नाइनटी सिक्स मीटर आता है तो कॉस्ट ऑफ द वाइट वॉशिंग ऑफ द सीलिंग इज इक्वल टू नाइनटी सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव जो फोर एटी रुपीज आएगा एंड द टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी एट हंड्रेड प्लस फोर एटी जो ट्वेल्व हंड्रेड एंड एटी रुपीज बनता है एग्जाम्पल नंबर सिक्स है इन बिल्डिंग देर आर ट्वेंटी फोर सिलेंड्रिकल पिलर क्या है सिलेंड्रिकल पिलर्स है ट्वेंटी फोर द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर एंड हाइट इज फोर मीटर फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर सरफेस एरिया ऑफ द पिलर्स ट द रेट उन्होंने दिया है एट पर मीटर स्क्वायर व्हाट इज द फॉर्मूला टू पाई आर एच हमने देखा ना अभी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का क्या होता है उसे क्या कहते हैं कर सरफेस एरिया भी कहा जाता है तो टू पाई आर एच यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा तो जस्ट वैल्यू पुट करिए पाई की वैल्यू ट्वेंटी टू बाई सेवन लेना है बिकॉज यहाँ पर गिवन में दी नहीं है सो टू मल्टीप्लाय ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई पॉइंट ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाय फोर वाई पॉइंट ट्वेंटी एट बिकॉज ये जो डायमेंशन दिया है एक मीटर में दिया है एक सेंटीमीटर में सो so हम करेंगे इसे कन्वर्ट मीटर में सो ट्वेंटी एट सेंटीमीटर इज इक्वल टू पॉइंट ट्वेंटी एट मीटर्स तो यहाँ पर फोर आ जाएगा सेवन वन जा सेवन फोर जा तो जीरो पॉइंट फोर आ गया अगेन यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई करिए एंड वी गेट द सेवन पॉइंट जीरो फोर मीटर स्क्वायर हेंस कर सरफेस एरिया ऑफ ट्वेंटी फोर सच पिलर्स क्या बनता है सेवन पॉइंट जीरो फोर मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी फोर तो स्टूडेंट्स Uh, यहाँ पर 168.96 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो ये देखिए फिर से मैं इसका प्रोडक्ट बता देता हूँ 22 टू मल्टीप्लाई बाई टू फोर्टी फोर मल्टीप्लाई विद 0.04 पॉइंट मल्टीप्लाई विद 4, इसका प्रोडक्ट आपको 7.04 ही मिलेगा ओके सो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एंड एरिया ऑफ वन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू रुपीज एट देर फॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी नाइन पॉइंट सिक्स मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू वन सिक्सटी एट पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई एट इज इक्वल टू बनता है वन थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी वन पॉइंट सिक्सटी एट रुपीज़ देन एग्जाम्पल नंबर सेवन फाइन द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस इज सेवन सेंटीमीटर एंड द टोटल सर्फेस एरिया इज़ नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट सेंटीमीटर स्क्वायर सो सोलूशन देखिए इसका स्टूडेंट्स लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर एच एंड रेडियस आर जो सेवन सेंटीमीटर दिया है टोटल सर्फेस एरिया टू पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस एच प्लस आर देखिए स्टूडेंट्स आपको एक नोटबुक भी बनानी है जिसमें ये सभी फॉर्मूला आपको लिख के लेना है ओके मतलब एरिया ऑफ द स्क्वायर एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एरिया ऑफ द ट्रायंगल एरिया ऑफ द सर्कल पेरी ऑफ द स्क्वायर पेरी ऑफ द रेक्टेंगल पेरी ऑफ द सर्कल देन पेरी ऑफ द ट्रायंगल देन आफ्टर दैट जो हमने एरिया देखा एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम एरिया ऑफ द रोम्बस देन वॉल्यूम ऑफ द क्यूब वॉल्यूम ऑफ द दिल यहाँ पर क्यूबॉइड देन आफ्टर दैट आप जा आगे जाके वॉल्यूम ऑफ द कोन भी देखेंगे तो एंड सरफेस एरिया सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब टोटल सर्फेस एरिया ऑफ़ द क्यूब वाई ये सभी आपको एक नोटबुक में लिख के लेने हैं ओके okay? तो आपको फार्मूला रिकॉल uh, करने के लिए आसान होगा ओके okay? तो आपको फाइंडिंग के लिए भी आपको आसानी होगी सो स्टूडेंट्स अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा नोमेरिकल सॉल्व कर दो आपको ये जो फार्मूला है आराम से बाय हार्ट हो जाता है ठीक तो uh, है तो वैल्यू में फार्मूला में वैल्यू पुट करिए एंड यू गेट द यहाँ पर एच इज इक्वल टू फिफ्टीन सेंटीमीटर ओके एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी सो हे द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज फिफ्टीन सेंटीमीटर तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही आज का लेक्चर नंबर थ्री हम यहाँ पर एंड करते हैं तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू